वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ 7 हेयर हैक्स। जी हाँ, 7 हेयर हैक्स। इनमें से कुछ हैक्स जो हैं आपको टेम्परेरी सोल्यूशन देंगे, कुछ आपको परमानेंट सोल्यूशन देंगे। बट टेम्परेरी हो या परमानेंट, ये सारे हैक्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कॉमेंट ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, डल हो गए हैं, ग्रे हो गए हैं और बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहे, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऑल इन वन सॉल्यूशन। उसके लिए आपको लेनी है एक पैन और उसमें डालना है आपको 1 ग्लास ऑफ नॉर्मल वाटर का, और फिर उसको जो है थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देना है। जब वो हल्का गर्म हो जाए तो आपको उसमें ऐड करनी है 1 चम्मच चाय पत्ती की, जिसको हम ब्लैक टी कहते हैं, और फिर आपको जो है उसको 2 to 3 मिनट्स के लिए गैस पर छोड़ देना है। 2 to 3 मिनट्स के बाद जब वो बॉयल होने लग जाए तो आपको जो है गैस ऑफ कर देनी है और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद जो है आपको उसको छान के एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेना है, और फिर उस स्प्रे बॉटल की हेल्प से जो है आपको अपने पूरे बालों में स्प्रे करना है फ्रॉम रूट्स टू टिप्स। नगर इसमें हमने ऐड की है ब्लैक टी। ब्लैक टी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ब्लैक टी में होते हैं हाई अमाउंट में एंटी ऑक्सीडेंट्स और कैफीन, जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। कैफीन हमारे हेयर लॉस होने वाले हार्मोन को जो है डिक्रीज करता है, और जो एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा ब्लैक टी हमारे बालों को डार्कन करती है, उन्हें सॉफ्ट, स्मूद और शाइनी भी बनाती है। और पूरी तरीके से अपने बालों में अप्लाई करने के बाद जो है आपको अपने बालों में जेंटली मसाज करना है, और मसाज करने के बाद जो है आपको उसको 1 आवर के लिए छोड़ देना है। 1 आवर के बाद जो है आपको अपने बालों को किसी भी ऑर्गेनिक शैम्पू से शैम्पू कर लेना है। और गाइस, आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रहे हैं, और इसके रेगुलर यूज़ से आपके बाल जो है ग्रो भी करेंगे। गाइस, अगर हेयर वॉश करने के बाद आपके बाल भी जो है इसी तरीके से फ्रिजी, ड्राई और रफ़ हो जाते हैं और बिल्कुल भी शाइनी नहीं लगते, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक कमाल का हैक। उसके लिए आपको लेनी है एक स्प्रे बॉटल, और फिर आपको जो है उसको आधा फिल कर लेना है नॉर्मल वाटर से। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। मैं यहाँ खादी का यूज़ करी हूँ, और मैं 2 टेबल स्पून जो है एलोवेरा जेल इसमें ऐड करूँगी। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद मैं लास्ट में ऐड करूँगी 1 विटामिन ई की कैप्सूल, और फिर इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से जो है मिक्स करके बॉटल को शेक कर लूँगी, ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। एंड दैट्स इट, आपका 100% नेचुरल और अफोर्डेबल हेयर सीरम रेडी है। अब गाइस, इसको जो है मैं अपने वेट बालों में अप्लाई करूँगी, आप चाहें तो आप अपने ड्राई बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं, और फिर अपनी फिंगर्स की हेल्प से जो है अपने बालों को इस तरीके से मसाज करूँगी। नगाज, एलोवेरा जेल और विटामिन ई की कैप्सूल दोनों ही जो है हमारे बालों को नरिश करती हैं और उन्हें सॉफ्ट और स्मूथ बनाती हैं। और अच्छी तरीके से जो है अप्लाई करने के बाद मैं इसको जो है 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। 5 to 10 मिनट्स के बाद आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मेरे जो बाल इतने ज़्यादा फ्रिजी हो रखे थे वो कितनी ईजिली फ्रिज फ्री हो गए, सॉफ्ट हो गए, स्मूथ हो गए, और लिटरली जब आपके बाल ड्राई होंगे वो शाइनी भी लगेंगे। तो इस हैक को जो है एक बार डेफिनेटली ज़रूर ट्राई करिएगा। गाइस, अगर आपके बाल भी जो है एकदम फ्लैट हो गए हैं और बिल्कुल भी बाउंसी नहीं लगते, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक कमाल का हैक। उसके लिए आपको अपने गीले बालों में या अपने बालों को थोड़ा सा गीला करके क्राउन सेक्शन से बालों का एक सेक्शन लेना है, और फिर उसको आगे की तरफ पुश करके उसे किसी भी पिन या क्लचर से जो है सिक्योर कर देना है। बेसिकली आपको एक अनटाइडी सा पफ बनाना है। उसके बाद आपको अपना हेयर ड्रायर लेना है और उस क्राउन सेक्शन वाले एरिया पर जो है अच्छी तरीके से हेयर ड्रायर मारना है, और आपको तब तक हेयर ड्रायर मारना है जब तक वो क्राउन सेक्शन वाला पफ जो है वो ड्राई ना हो जाए। जैसे ही वो बाल जो है ड्राई हो जाएंगे, आपको अपने हेयर ड्रायर को बंद कर देना है और क्लचर को खोल देना है। और गाइस, आप देख सकते हैं कि बिना किसी राउंड ब्रश को यूज़ करे हुए मेरे बालों में कितना प्यारा सा बाउंस आ गया। और ये हैक टेम्प्ररी है, बट अगर आपको कहीं भी जाना हो तो डेफिनेटली आप जो है इस हैक को ज़रूर ट्राई करें। गाइस, अगर आपके बालों में जो है कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बनता इजीली, या अगर आप ऑफिस और कॉलेज जाते हैं और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कोई भी हेयर स्टाइल बनाने का, तो उसके लिए आप ये इस तरह के जो है हेडबैंड्स ट्राई कर सकते हैं। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा इन है, लिटरली हर जगह अवेलेबल हैं, और आप किसी भी जैसे नॉर्मल हेडबैंड को वेयर करते हैं वैसे ही जो है आपको इसको वेयर करना है। बट लिटरली ये पहने हुए इतने ज़्यादा क्यूट और स्टाइलिश लगते हैं, काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स, कलर्स और डिज़ाइंस में आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं मेरी तरह, तो फिर तो आपको एक बार इनको जरूर ट्राई करना चाहिए।
गाइस, अगर आपको भी जो है पोनीटेल करना अच्छा लगता है बट आपके इस तरीके से जो है बॉल्ड स्पॉट्स दिखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगते हैं, तो बारी आ गई है हमारे फिफ्थ हैक की। उसके लिए आपको करना है, आपको लेनी है कोई भी ब्लैक आई शेडो। अगर आपके बाल ब्राउन है तो आप ब्राउन आई शेडो का भी जो है यूज़ कर सकते हैं, और फिर ब्रश पर पिक करके आपको जो है ब्लैक आई शेडो अपने बॉल्ड स्पॉट्स पर अप्लाई करना है। और गाइस, ये एक टेम्प्ररी हैक है, तो अगर आपको कहीं जाना है तब आप इस हैक को जो है ट्राई कर सकते हैं, और लिटरली किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने अपने बॉल्ड स्पॉट्स पर आई शेडो का यूज किया है। और पोनीटेल लवर्स, इस हैक के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, अगर हेड वॉश करने के नेक्स्ट डे ही जो है आपके बाल भी बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं, ग्रीसी हो जाते हैं, हालांकि मेरे इस वक्त हो नहीं रहे बट मेरे हो जाते हैं, तो मैं यूज़ करती हूँ अपना ये DIY ड्राई शैम्पू। इसको बनाने के लिए आपको लेना है 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, और उसमें आपको ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून ऑफ कोकोआ पाउडर का। अगर आपके बाल जो है एकदम जेट ब्लैक हैं तो आप इसमें 1/2 टेबल स्पून चारकोल पाउडर भी जो है ऐड कर सकते हैं, और फिर बस इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर ब्रश पर जो है आपको थोड़ा सा ये DIY ड्राई शैम्पू पिक करना है, और जहाँ जहाँ भी जो है आपको ऑयल आया हुआ है वहाँ वहाँ जो है आपको अपने रूट्स में अप्लाई करना है, और लिटरली आप देखेंगे कि 5 मिनट्स में जो बेकिंग पाउडर है सारा ऑयल सोख लेगा और आपके बाल जो है वो एकदम बाउंसी लगेंगे। तो इस हैक को भी जो है आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और इसके कोई भी जो है साइड इफेक्ट्स नहीं है लाइक मार्केट के ड्राई शैम्पू की तरह। सो गाइज, ये थे मेरे आज के कुछ अमेजिंग हेयर हैक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो कि आपको कौन सा हैक जो है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल लगा। एंड यस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं जल्द मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।